नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज अ बॉल ऑफ मास वन केज इज ड्रॉप फ्रॉम टू मीटर हाइट सवाल है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर सेकेंड कोलिजन सेकेंड पार्ट है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल आफ्टर सेकेंड कोलिजन थर्ड पार्ट है एवरेज स्पीड ऑफ द फॉर द होल इंटरवल राइट और हमें दिया हुआ ई e की वैल्यू पर हम पॉइंट uh, फाइव या कि uh, या फिर ई e की वैल्यू हम हाफ ले सकते हैं और जी की वैल्यू टेन ले सकते हैं नौ सैनैरियो ये है कि आपकी एक गेंद एक सर्टेन हाइट से नीचे गिरी लेट्स uh, से इस फ्लोर पे और इस फ्लोर पे आपका ई e की वैल्यू जो हाफ है या जो भी आपकी ई e की वैल्यू है उसकी वजह से बॉल वापस राइज की फिर वापस नीचे आई फिर आपकी यहाँ दोबारा टक्कर हुई ये बॉल आपकी फिर राइज़ की टू अ सर्टेन हाइट फिर एंड दिस मोशन विल कंटिन्यू लाइक दिस हालाइट सो एच हाइट आपकी ओरिजिनल हाइट थी उसकी वैल्यू हमें यहाँ ट्वेंटी मीटर दे रखी है हाँ सो so, इस केस में ये हम थ्योरी लेक्चर्स में इसको डिराइव कर चुके हैं टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे सीधा रिजल्ट यूज़ करेंगे अगर आपकी गेंद यहाँ पे यू वेलोसिटी से टक्कर हो रही है उसकी यू वेलोसिटी से हिट कर रही है इस फ्लोर को तो आपकी जो बॉडी राइज करेगी तो फर्स्ट टाइम जब जब आपकी वेलासिटी राइज करेगी उसकी वैल्यू होगी ई यू सेकेंड टाइम वैल्यू होगी आपकी ई स्क्वायर यू एंड सोन एंड सो फोर्थ और आपकी थर्ड टाइम वेलासिटी होगी ई क्यूब यू ये आपकी वेलोसिटी इसकी वैल्यू होंगी आफ्टर एवरी कोलिजन अलोंग एल ओ सी ये ध्यान रखना लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग आपकी वेलोसिटी जो हो जाती है वो ई यू हो जाती है ठीक है ये हम थ्योरी लेक्चर्स में इसको डिराइव कर चुके हैं अगर आपकी ओरिजिनल हाइट एच है तो फर्स्ट टाइम जो आपकी बॉल राइज़ करेगी तो फर्स्ट टाइम जो आपकी बॉल यहाँ पे राइज़ करेगी उसकी वैल्यू होती है ई स्क्वायर एच सेकेंड टाइम जो बॉल आपकी राइज करेगी वो होएगी ई टू दी पावर फोर एच एंड सोन एंड सो फोर्थ ई टू दी पावर सिक्स एच एंड सोन एंड सो फोर्थ ये आपकी एच की वैल्यू होती है इसको भी हम रिजल्ट डिराइव कर चुके हैं सो यू कैन और वी कैन यूज़ दिस रिज़ल्ट डायरेक्टली ठीक है थर्ड uh, चीज़ जो है जो हमें इस सवाल को सॉल्व करने में चाहिए आपकी बॉल यहाँ से यहाँ टकराई उसके बाद ये जो आपके इन्फानाइट कोलिजन्स होंगे उसके बाद ये धीरे 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 ऐसे बिफोर कमिंग टू रेस्ट फाइनली तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो जो आता है इसको भी फिर थ्योरी में हम वो कर चुके हैं टोटल या डिस्टेंस ट्रेवल जो है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं वन प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस ई स्क्वायर एच और एच की आपकी ओरिजिनल वैल्यू है ये आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होएगा टोटल टाइम टेकन जो है वो उसकी वैल्यू आती है वन प्लस ई डिवाइडेड बाय वन माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय आपका जो फर्स्ट टाइम में टाइम ऊपर से नीचे आने का लगा आप डायरेक्ट इनको एवरेज स्पीड निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड करके डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं आ, यहाँ पे मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और थ्योरी में इसको ऑलरेडी कवर कर चुका है न पहला पार्ट करते हैं आपको बताना है वेलॉसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर सेकंड कोलिजन सो आफ्टर सेकंड कोलिजन सेकेंड uh, कोलिजन के बाद आपकी जो स्पीड होएगी वेलोसिटी होएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी ई स्क्वायर यू ई की वैल्यू अपने को यहाँ दे रखी है वन बाय टू सो दिस विल बी इक्वल टू वन बाई टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जो आपकी यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आई थी ना यहाँ पे इसकी ओरिजिनल वैल्यू देखने के लिए हम कैनामेटिक्स का फॉर्मुला यूज़ करेंगे जहाँ पे हम ये कहते हैं कि आपकी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो वेलोसिटी आएगी उसको आप लिखेंगे अंडर रूट टू जी एच और इसकी वैल्यू हो जाएगी टू मल्टीप्लाइड बाई टेन मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज ट्वेंटी सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड सो हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्वेंटी का रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर यानी कि फाइव मीटर पर सेकेंड ये आपकी वैल्यू आएगी आफ्टर सेकेंड कोलिजन हमें ये बताना है कि आपकी हाइट क्या होगी तो उसके इसमें हाइट हो जाएगी आपकी ई टू दी पावर फोर मल्टीप्लाइड बाई एच यानी कि वन बाय टू टू दी पावर फोर मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल हाइट आपकी ट्वेंटी थी सो so ये हो जाएगी ट्वेंटी डिवाइडेड बाय सिक्सटीन सो इसमें हम फोर कैंसिल कर सकते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू फाइव बाई फोर मीटर या वन पॉइंट टू फाइव मीटर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी अब लास्ट पार्ट है जहाँ पर हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी नाउ एवरेज स्पीड के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं एच अपने को पता है ये टर्म पता है टी अपने को पता करने की ज़रूरत है सो कैनामेटिक्स के डिस्कशन से ही अगर आपके 20 मीटर से बॉल को नीचे गिराया है तो उसका जो टाइम टेकन आएगा उसको हम लिखते हैं टू एच बाय जी ये कानामेटिक्स में हम डिराइव कर चुके हैं सो दिस विल बी इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी डिवाइड बाई टेन सो दिस विल बी इक्वल टू टू सेकेंड सो आपका टाइम टी जो है वो टू सेकेंड हो जाएगा सो so, आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी Uh, पूरे प्रोसेस की वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं सो so, दोनों को सेपरेट कैलकुलेट कर लेते हैं या चलो एक साथ सेपरेट कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है सो टोटल डिस्टेंस डी जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू वन प्लस ई स्क्वायर कि वन बाय फोर प्लस वन माइनस ई स्क्वायर यानी कि वन माइनस वन बाय फोर मल्टीप्लाइड ट्वेंटी सो दिस विल बी इक्वल टू ऊपर बनेगा आपका फाइव बाय फोर डिवाइडेड बाय वन माइनस वन बाय फोर इज थ्री बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी सो डी की जो वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी इक्वल टू फाइव बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी टोटल टाइम टेकन टी जो होएगा आपका दैट विल बी इक्वल टू ये सेपरेट सेपरेट चीज़ें हैं टोटल टाइम टी ये आएगा वन प्लस ई यानी कि वन बाय टू डिवाइड बाय वन माइनस वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी अपना टू सेकेंड आया है सो so ये आपका बनेगा थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टू यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी सिक्स सेकेंड्स वन बाई टू बाय टू कैंसिल हो जाएंगे सिक्स सेकेंड्स सो आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई आपकी uh, ये बना फाइव बाय थ्री फाइव मल्टीप्लायड बाई ट्वेंटी डिवाइड बाय थ्री डिवाइडेड बाय टाइम टेकन विच इज सिक्स सेकेंड तो ये मेरे ख्याल है यहां से टू कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू फिफ्टी डिवाइडेड बाय नाइन मीटर पर सेकेंड ये आपके तीनों आंसर्स आ गए अगेन यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता सो so, मैंने उसको अवॉइड कर दिया है सो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आए एंड आई ऑल्सो होप आप एग्ज़ाम हॉल में ये जो फॉर्मूले हैं इनको ध्यान रखेंगे बिकॉज एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आप इनको डिराइव नहीं कर पाएंगे इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट अगर आपको सही में सेलेक्ट होना है सो यू विल रिमेंबर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज